कभी मत आओ। सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे और आज हम जा रहे हैं रक्षाबंधन मूवी देखने के लिए। अचानक से ही एकदम से प्रोग्राम बना हमारा। हमारा क्या है ना, अचानक से ही बनते, क्योंकि राज होता है एंड टाइम भी बोलते हैं कि मूवी देखने चलना है या कहीं भी चलना है, ऐसे ऐसे। जो सो के उठी थी तो राज बोलता चलो मूवी देखने चलते हैं, ताइशा के स्कूल जाने से पहले, मतलब उसके स्कूल जाने के बाद जाएंगे और उसके स्कूल आने तक हम वापस आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, और अब इतनी जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ। आज मैंने सर भी धोया, अभी आधे आधे गीले भी हो रहे हैं, और ताइशा को भी स्कूल भेजा है, उसे नहलाया, उसे नाश्ता कराया, उसे स्कूल भेज के भी आए हैं। और 10:15 अभी बज चुके हैं और 10:30 का हमारा शो है। नीचे राज जो है स्कूटी निकाल रहा है, क्योंकि गाड़ी से जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, और एक्टिवा पे जाएंगे। एक्टिवा पे क्या होता है ना, कहीं से भी जल्दी जल्दी निकाल लो, टू व्हीलर होता है, फायदा होता है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। ओके बाय। तो फाइनली हम मॉल में पहुंच गए हैं और अभी जल्दी जल्दी चलते हैं वहां, देखते हैं मूवी स्टार्ट हुई नहीं हुई अभी। तो हमें टिकट भी लेनी है। और राज ने भाई साहब बड़ी स्पीड के साथ स्कूटी चलाई, और वो भी बिल्कुल जो पेट्रोल वाली रेड लाइन होती है ना, उस पर हम स्कूटी लेके आए हैं। हम एक्टिवा पे आए क्योंकि हमने सोचा जल्दी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन एक्टिवा में क्या हुआ, पेट्रोल ही नहीं था। तो हम बिल्कुल रेड लाइन जो होती है पेट्रोल की, उस पर चला के लेके आए राज गाड़ी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के आए भगवान। फाइनली हम पहुँच तो गए, अभी हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी टिकट लेने के। फाइनली हम मूवी देख के बाहर आ चुके हैं, और सही में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवी थी। मेरे को तो रोना भी आ गया था जब उसकी बहन मरी। आपको भी रोना आया? हाँ, इंटरवल से पहले तो काफ़ी गुदगुद आती है, मज़ा आता देखने में, लेकिन उसके बाद थोड़ी सीरियस हो जाती है। कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को अगर टाइम मिले तो पूरी फैमिली के साथ आप इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी साफ सुथरी मूवी है। और कुछ मैसेज ही मिला है इस मूवी में, जो डावरी सिस्टम है, जो मतलब लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। हाँ, तो मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, सब खत्म होना चाहिए। उस भाई पे अकेले पे कितना बर्डन था, उस चार चार बहनों का, एक बहन तो बेचारी सुसाइड भी कर लेती है। तो बस अब सीधा घर के लिए निकलेंगे मूवी देखने के बाद। हाँ, घर जाएंगे। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं घर की तरफ। 2 घंटे की मूवी थी, ज़्यादा लंबी मूवी नहीं थी, और अभी ताइशा भी स्कूल से आने वाली, तो हमने यही सोचा था कि थोड़ा टाइम से निकल जाएंगे, फ्री हो जाएगी ताइशा के आने से पहले। और ये देखो जल्दबाजी में राज ने मेरा हेलमेट पहन लिया स्कूटी का, ये देखो। और ये देखिए कितने सारे फ्लैग्स। तो अभी फ्लैग्स देख के मेरे को याद आया ताइशा के लिए एक वो बैंड लेना था, हैंड में जो पहनते हैं उसके स्कूल में, वो बैंड उसको मार्केट की तरफ ले लेना, ठीक है। बस घर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर हमने थोड़े फ्रूट्स वगैरह भी लिए थे, तो अभी हम सेब ले रहे हैं वहाँ पर। ये देखो राज पीछे ले रहे पचास। बाबू स्कूल से आ गया, रोटी पी रहे हो? ये देखो हम आपके लिए क्या लाए। बेबी देखो, आपकी मैम ने मंगाया था ना ये, लेकिन पता है ये बैंड मंगाया था ना ये वाला। अब बाबू इसे पहन के अब डांस करेगा, ये भी पहनेगा ये, है ना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। अभी हम खाना वगैरह खा के जस्ट ऊपर आए हैं, और अभी ताइशा यहाँ पे अपनी ड्राइंग कर रही है और राज अपना लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। अभी दिखाती हूँ दोनों को। तो ये रही बेबी ताइशा जो कि ड्राइंग कर रही है। बेबी क्या ड्रॉ कर रहे हो बेबी आप? क्या है ये? डॉगी। डॉगी कलर कर रहे हो, वेरी गुड। और राज यहाँ पे अपना क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो लैपटॉप पे? तो गाइज अभी हम जब मूवी देखने गए थे, मेरे पीछे ही देखो ये वाली टी शर्ट डिलीवर हुई है, जो कि मैंने मीशो से मंगाई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने आते ही पहन ली। इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो इस पर जो प्रिंट है, जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा है।
तो मैंने आते ही जस्ट वेयर कर ली इसे, और ये सिर्फ 150 रुपये की, ओनली 150 रुपीज। और ये देखिए ताशा ने कितनी अच्छी कलरिंग करी है, वेरी गुड बाबू। ताशा वाकई में बहुत अच्छी कलर करती है, बिल्कुल बाहर नहीं निकालती है। देखिए नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वेरी गुड बाबू, इसके आगे हमको नहीं आता गाना। अभी ताइशा बेबी सो के उठ के आई है और यहाँ ऊपर बैठी है, काइट्स देख रहे हो बाबू? काइट बाबू अपनी काइट ले लो, पड़ी नहीं है निष्ठा, पड़ी होगी हर घर तिरंगा। तो अभी मैं और ताइशा मार्केट आए हैं, इसको पतंग लेनी थी, हमारे पास काइट्स नहीं थी, इसके लिए हम पतंग लेने आए हैं मार्केट में। बाबू ये वाली लेगा इस ट्रेन की ना? हटो। जैगुआर देखो इस पे क्या बना हुआ है, दिखा रॉकेट दिखाओ, फिर ले लिया आपने टू काइट्स, चले चलो। ये देखो हमने ताइशा के लिए टू काइट्स लिए, दिखाओ बेबी, अभी हम इसे कल उड़ाएंगे, ठीक है? अभी तो अंधेरा होने वाला है ना, ठीक है? एक घंटा हो गया ना खड़े खड़े। क्यों उससे पूछे, बुखार दे दे मेरे को। है ही नहीं क्या? ये उसका ये वाला ले दो मेरे को, इसका ये देना ना। चल नन्ना का चश्मा दे दे मेरे को लाके जा ना। तो अभी हम सब नीचे आ गए हैं पतंग उड़ा के, हमने ज्यादा पतंग उड़ाई नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया था, इसलिए अब कल पतंग उड़ाएंगे। और अभी हम करते हैं खाने की तैयारी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। फिर बाय बाय कर दो, गुड नाइट।